सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको शर्ट से शर्ट का नाप कैसे लेते हैं, एक्यूरेट सेम साइज कैसे आएगा, वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पैंट से पैंट का नाप लेने का तरीका बताया था, आज इस एपिसोड में मैं आपको शर्ट का तरीका बताऊंगा। तो एपिसोड शुरू करने से पहले वही छोटी सी अपील, आप एपिसोड को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही करता है। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड शुरू करते हैं। शर्ट से शर्ट का नाप लेने का तरीका, वो आज मैं आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, शर्ट का नाप लेते, ये मैंने एक शर्ट ले ली है, इसका नाप हमने लेना है। तो नाप लेने से पहले हम यहां लिख लेते हैं, क्योंकि नाप हमने यहां लिखना है। लंबाई 36, पेट, बाजू 13 और गला, ये हमने ये लिख लिया है। अब हम इसका नाप लेंगे। ये हमने शर्ट ले ली है, अब इसकी लंबाई हमने कहां से देखनी है। ये हमने 3 सूत इस कॉलर में दबा हुआ है, सामना ऊपर से कंधी में भी दबा हुआ है, तो ये कंधी का दबाव हम साथ में लेंगे 3 सूत। ये तो 3 सूत कंधे का दबाव ले लिया, और यहां से ये देखिए 27.5 इंच इसकी लंबाई है। अब जब हम सामना काटेंगे तो 27.5 प्लस जो नीचे का मार्जिन है, जो ये मोड़ है, ये जो मोड़ा हुआ है, ये हम अलग काटेंगे, तो इसकी लंबाई होगी 27.5। ये लंबाई होगी 27.5। अब हमने छाती देखना है। छाती का हमारा क्या है, ये हमारा जो किनारा है सामने का, और ये जो मुड्ढे का निशान है, ये हमने देखना है। ये 3 सूत मुड्ढे में भी दबा हुआ है, तो ये हमने यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, अब ये देखिए ये 11 इंच सामना तैयार है, 3 सूत दबा हुआ है, यानी आप इसको 11.25 मान के चलिए, ये 11 से 1 सूत कम है, 11 से 1 सूत कम है, और 3 सूत ये दबा हुआ है, तो समझो इसको आप 11.25 मान के चलिए। 11.25 का मतलब है 2.25 इंच इसकी लूजिंग निकाल दीजिए, बाकी बचता है 9 इंच, तो 9 इंच 9 चौक 36, क्योंकि ये छाती का 1/4 होता है, इसलिए 9 इंच बचता है, तो 9 चौक 36, ये 36 इंच की छाती का शर्ट है, तो छाती होगी इसकी 36 इंच। ये 36 इंच इसकी छाती होगी। अब इसका पेट देखते हैं। अब पेट का क्या हिसाब होता है, जब हम सामना काटते हैं, ये हमारी 27.5 लंबाई है, तो अब इसका पेट का निशान कहां पे आएगा। तो पेट का निशान वैसे तो शर्ट में सेंटर होता है, लेकिन कुछ लोग 1/2 इंच ऊपर कर लेते हैं, कुछ लोग 1/2 इंच नीचे कर लेते हैं, तो आप इसको शर्ट को ये 13.5 इंच से 1 इंच ऊपर आप लेके चलिए, ऊपर की तरफ छाती की तरफ, तो ये 12.5 है। अब ये 12.5 आप निशान लगा लीजिए, ये 12.5 से अब आप वही तरीका जो छाती का है, उसी तरीके से हमने इसका साइज लेना है। अब ये 12.5 पे बिल्कुल सीधा निशान लगा ले, ये है सेम जितनी छाती थी, उतना ही जितनी छाती का सामना यहां से था, उतना ही ये यहां से है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेट भी 36 ही है। ये 11 से 1 सूत कम है, 3 सूत का मार्जिन है, 11.25 इंच का
इसका वही सेम 1.25 इंच छाती का था, 1.25 इंच पेट का है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी छाती थी 36, उतना ही इसका पेट है। तो ये आप ये पेट लिख लीजिए 36, पेट भी 36, छाती भी 36। अब जो घेरा आता है वो मैं शर्ट की कटिंग में बताऊंगा घेरा किस हिसाब से लेना है। अब हमने बाजू नापना है इसका। अब बाजू का नाप हमने कहां से लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो तीरा है आप तीरे का सेंटर कर लीजिए, ये ऐसे आप तीरे का सेंटर कर लीजिए, ये आपका बाजू का सेंटर आ जाएगा। ये देखिए ये बाजू का सेंटर आपका आ गया, ये देखिए ये आ गया, ये बाजू का सेंटर आपका आएगा। तो इस सेंटर से आप बाजू का साइज ले सकते हैं। अब ये देखिए इसकी बाजू है 23.5 इंच तैयार है। अलग अलग हिसाब लगाएं क्योंकि बाजू हमने अलग काटनी है, कब बाद में लगेगी, इसलिए मैं ये बिल्कुल बारीकी से अलग अलग हिसाब बता रहा हूं। ये इसको 24 मान के चलिए क्योंकि 3 सूत दबाव भी है, 24 से 1 सूत कम है। अब ये कफ हमारी लगी हुई है समझो 2.5 इंच की। अब 2.5 इंच की कप में 24 में से 2.5 गया, 21 रह गया, 21.5 इंच रह गया। अब ये 21.5 इंच प्लस 3 सूत यहां से भी दबा हुआ है, तो हम ये एक तरह से 23.5 जो बाजू है इसकी हम 22 काटेंगे या 22.5 काटेंगे, 22 ही काटेंगे। 22 काटने से आपका 2.5 इंच का कफ लगाने के बाद 3 सूत यहां से दबेगा, 3 सूत यहां से दबेगा। हमने 22 काटी है, 3 सूत यहां से बाजू कफ में दबेगी, 3 सूत बाजू यहां तीरे में दबेगी, 6 सूत निकाल दीजिए, 21.5 इंच रह जाएगा। और 2.5 इंच की कफ लगाने के बाद, 2.5 इंच की आप तैयार कफ लगाएंगे तो आपका 21.5 और 2.5, 23.5 की बजाय 2 सूत ज्यादा ही बाजू रहती है, लेकिन 23.5 ही मान के आप चलिए। कभी कप में कम दब जाता है, कभी ज्यादा दब जाता है, इसलिए 2 सूत का मार्जिन रखना बहुत जरूरी है। तो आप इसको 22 काटेंगे, 22 काटेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं 23 बाजू है तो 22.5 काट लेते हैं। आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज काटना चाहिए क्योंकि 3 सूत का दबाव बहुत होता है, 3 सूत इधर से 3 सूत इधर से, ये दबाव बहुत होता है। जो लोग 23.5 बाजू का 22.5 बाजू काटते हैं, 1 इंच कब काटते हैं, वो लोग उनको ये नहीं पता होता कि मैं यहां से कितना दबाऊंगा, वो यहां से कितना दबा, वो श्योर नहीं होते अपनी बात के ऊपर, इसलिए वो 0.5 इंच मार्जिन जो ज्यादा काट के चलते हैं ताकि कम ना पड़े, ज्यादा बेशक हो जाए। लेकिन हमने, मैं ये एक्यूरेट नाप बता रहा हूं। अब इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने बताया है, अगर आप बाजू काटेंगे तो बिल्कुल जितनी ये तैयार है उतनी ही तैयार आएगी, 1 सूत भी इधर उधर नहीं होगी। ये होगी हमारी बाजू। अब हमने तीरा, देखिए तीरा हम जब नापते हैं तो कंधों के ऊपर से नापते हैं, बाजू के सेंटर से नापते हैं। ये बाजू का सेंटर है, यहां से हम तीरा नापते हैं अगर कस्टमर का नाप लेते हैं। लेकिन हमने शर्ट का नाप लेना है तो जो तीरा हमारा ये कटा हुआ है, यहां से जो जुड़ा हुआ है, हमने तीरे को यहां से नापना है क्योंकि ये ऊपर टेपर शेप आती है, ऐसे घूम के शेप आती है, ऐसे यहां से बढ़ जाता है। तो अगर हम यहां से तीरा नापेंगे तो ये उतना यहां हमने रखना पड़ेगा और आगे से बढ़ जाएगा, तो जो तैयार तीरा आएगा वो बढ़ के आएगा, कम नहीं होगा, इसलिए यहां से तीरा हमने नापना पड़ेगा। अब मैं यहां से इसका तीरा ले लेता हूं, यहां से तीरा जो जुड़ा हुआ तीरा वहां से आप नापिए। ये देखिए ये इसका एक्यूरेट 17 तीरा है। अगर हम अब मैं यहां से जब जहां से हम कंधे से तीरा नापते हैं कस्टमर का, वहां से दिखा देता हूं। ये देखिए ये 17.5 है, ये 2 सूत का टेपर इधर है, 2 सूत का टेपर इधर है, इसलिए ये 0.5 इंच यहां से बढ़ गया। अगर हम इसको यहां से नापेंगे और तो 17.5 तीरा हो गया इसका, और जब 2 सूत का टेपर आएगा तीरे में इधर से भी, तो ये 18 इंच जाके तैयार हो जाएगा। यानी जब आपका तीरा तैयार आएगा तो 17.5 ये यहां पे आना चाहिए,
ये 18 इंच आएगा, इसलिए तीरे को यहां से नापिए जहां से आपने तीरा चढ़ाया हुआ है। ये 17 इंच है तो इसका तीरा हो गया 17, ये तीरा हो गया। अब गले के लिए भी शर्ट का अगर नाप लेते हैं तो लोगों में बहुत भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है कि बहुत से लोग ये जो बैन पट्टी है यहां से इस बटन से लेके इस काज तक गले का नाप ले लेते हैं। अब ये लेंगे, ये जो बैन पट्टी है ये जो ज्यादा रखते हैं ये गले की लूजिंग के लिए और काज बटन के लिए, ताकि गले में आराम से भिजे नहीं, इसलिए ये बढ़ा के लिया जाता है। तो हमने शर्ट का अगर कॉलर नापना है, गला नापना है, तो हम सिर्फ इस कॉलर को नापेंगे। कॉलर को हमने ये नापेंगे, ये 14.5 इंच इसका गला है। इसका गला हम 14.5 इंच ही मानेंगे, क्योंकि यहां से अगर नापेंगे तो ये 15.5 इंच गला हो गया, आधा इंच इधर से बढ़ गया, आधा इंच इधर से बढ़ गया, 15.5। और जब आप कॉलर तैयार करेंगे तो फिर आधा इंच इधर से बढ़ेगा, आधा इंच इधर से बढ़ेगा, 15.5 का 16.5 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा लूज गला हो जाएगा। इसलिए गले को हम सिर्फ इस कॉलर तक ही नापेंगे, क्योंकि ये चीज तो हमने बढ़ानी ही है, बैन जो है वो बढ़ाना ही है, क्योंकि काज होगा, बटन लगेगा। इसलिए यहां से गले का मेजरमेंट नहीं लेंगे, यहां से हम कॉलर से कॉलर तक का ही मेजरमेंट लेंगे। ये 14.5 इंच इसका गला हो गया, ये इसका गला लिख देता हूं मैं, 14.5 इंच ये इसका गला हो गया। अब आप ये कंप्लीट शर्ट का मेजरमेंट हो गया, ये लंबाई होगी आपकी, ये छाती होगी। अब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। ये पेट हो गया, टमी बोलते हैं जिसको लोग बहुत से, ये हमारी बाजू होगी और ये हमारा तीरा हो गया, ये तीरा हो गया, ये हमारा गला हो गया। ये कंप्लीट शर्ट का मैंने आपको मेजरमेंट लेके दिखा दिया है। तो देखा दोस्तों, आप भी जिस तरीके से मैंने बताया है शर्ट से शर्ट का नाप इसी तरीके से आप लेंगे तो आपकी शर्ट एक्यूरेट सेम साइज की आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।